press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हरी मोहन जी, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। लेकिन ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि संदेश खली कर लो या कुछ भी, यहां पर निकम्मों की फौज तुमने, क्योंकि दीदी आप मुझे याद है बहुत दबदबा तरीके से कहते थे कि यहां बीजेपी ने निकम्मों की फौज भर्ती कर रखी है और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, मैं ये वीडियो दिखा सकता हूं। और आज वही हुआ, बीजेपी को इन पनौतियों ने हरा दिया। पता नहीं कौन कौन से लोग क्या क्या थे वो बताइए, और कौन सी पनौतियों ने हराया वो आप बताइए दीदी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। मैं प्राय एक साल से कंटिन्यू में बोल रही थी कि जब तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के ये निकम्मों की फौज सफल नहीं होगी, जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक ये जितने भी लफंदर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में, जो अपने आप को वाई प्लस सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, भाई काउंसलर को सिक्योरिटी मिली है वाई प्लस काउंसलर को, तो ये जो ड्रामा चल रहा था, ये तो मैं एक साल से बोल रही थी। मैंने कई मेल पीएमओ ऑफिस में किए, मैंने कई मेल गृह मंत्री जी को भेजा, मैंने कई मेल योगी आदित्यनाथ जी को भेजा, वहां से मुझे कंटिन्यू रिप्लाई आया कि हम संवाद पहुंचा रहे हैं, पर बंगाल बीजेपी के कुछ नेता उसको सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब पहली लिस्ट जब आरएसएस के हिसाब से आई, एबीवीपी के हिसाब से आई, हिंदू महासभा के हिसाब से आई, हिंदू महासंघ के हिसाब से आई, यहां तक के गृह मंत्री अमित शाह जी के हिसाब से जब लिस्ट आई लास्ट, उसको भी यहाँ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के जगन्नाथ मंडल, अमिताभ चक्रवर्ती, और एक का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगी, मुकुल रॉय 2.0 में जब कचड़े के डब्बे में डाल दिया था, मैंने उसी वक्त बंगाल के सभी मीडिया को बोल दिया था कि भैया एग्जिट पोल तुम जो भी दिखा दो, आने वाली तो इनको 15 सीटें भी नहीं है, और देखिए 11 में खत्म है कहानी, 11 सीटों में कहानी खत्म है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि महुआ मोइत्रो जैसी तेज तर्रार महिला, जो विदेश में काम कर चुकी है, जो विदेश में पढ़ चुकी है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रह चुकी है, उसके ऑपोजिट में एक अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले, अंग्रेजों का सपोर्ट करने वाले फैमिली की एक राजमाता को देने की क्या जरूरत थी? कौन है ये राजमाता? कौन जानता था राजमाता को? राजमाता को की पहचान बनाने के लिए मोदी जी को फोन करना पड़ा था। अब आप सोचिए कि राजमाता को मोदी जी ने फोन किया, अब मोदी जी का जो लेवल था वो कितना डाउन हो गया, क्योंकि बुरी तरीके से हारी है। अभी भी शायद मोर देन 1.5 लाख वोट से पीछे जा रही है। आपको याद होगा मैंने सेशन आपके साथ एक कन्फ्रंटेशन किया था, जिसमें मैंने कहा था कि राजमाता फोन पे कह रही है कि मोदी जी देखिए ना, मेरे पिताजी को बोल रहा है ये लोग कि अंग्रेजों का साथ देने वाला है, मीर जाफर है। भाई जो सत्य है वो बोला गया, आपने ऐसे कैंडिडेट क्यों चूज किए? अब रेखा पात्रा, मेरी सहानुभूति है उसके साथ, किसी का भी इस देश में बलात्कार बिल्किस बानो का हो, सुजर जॉर्डन का हो, निर्भया का हो, कामदुनी का हो, किसी का भी हो, हम सबकी सहानुभूति उसके साथ होती है। पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि बशीरहाट जैसी जगह जहां पर 70% मुसलमान है, वहां पर रेखा पात्रा क्या कर लेगी? भाई सामने वाला टीएमसी का जो कैंडिडेट था वो तो शायद 10 दिन या 12 दिन अपने कंपेनिंग के दौरान हॉस्पिटलाइज था,
और उसके नाम के आगे हाजी था, उस हाजी को भंजा करके उसने खा लिया और 272,000 से ऊपर वोटों से जीता है, जीत गया। अब रेखा पात्रा तो संदेश खाली में एंटर कर नहीं रही हैं, लेकिन क्या रेखा पात्रा जवाब दे सकती हैं कि एक रेप की पीड़िता इतनी टच कैसे हो सकती है? भाई औरत की छाती से अगर कोई दुपट्टा हटा ले तो वो औरत एक महीना मानसिक संतुलन से हिल जाती है। रेखा पात्रा का इतना बड़ा दर्शन हो गया और रेखा पात्रा टच थी। भाई जनता ये भी ऑब्जर्व करती है, जनता ये सारी चीजें सोचती है। हो सकता है कि लोग कहेंगे कि देखो नाजिया क्रिटिसाइज कर रही है, पर मैं कोई नया क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूं। आपने खुद पहले बता दिया कि मैंने कहा था और कई जगह पर कहा था। अब मेरा सवाल आता है कि ममता बनर्जी ने बाजी वही मार ली थी जब उसने 42 कैंडिडेट की घोषणा एक साथ एक मंच पर किया था। वो बाजी वही मार ली थी, वो लोगों के दिमाग में वहीं पर बता दी थी कि उसके पास नेता है। और बीजेपी ने 7 लिस्ट में अपने कैंडिडेट की घोषणा की थी और डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी वाली सीट जो हमारे लिए इतनी वैल्यूबल थी उसमें किसको खड़ा किया गया है? आपको नाम पता है? नहीं पता है? अभिषेक बनर्जी का तो नाम पता होगा, लेकिन उसके ऑपोजिट में भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके कैंडिडेट का नाम नहीं पता है। अब यही आपको समझ में आ चुका कि भाई क्यों हारा। अब आती है बात कि डायमंड हार्बर में 6 ऐसे वार्ड हैं, टोटल 9 या 10 वार्ड है, 6 ऐसे वार्ड है जो मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड वार्ड है, खिदरपुर, मटिया ब्रुज, गार्डन रीच, नादियाल, उसके बाद चेतला, उसके बाद रामनगर। उस 6 वार्ड में वो कैंडिडेट गया ही नहीं है। उस 6 वार्ड में वो कैंडिडेट अपना कंपेनिंग किया ही नहीं है। पर्ची तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अब आते हैं दमदम, क्योंकि मेरी ऑफिस यहां पर है, मेरा वोट यहां पर है, लेकिन रहती मैं दमदम में हूं। दमदम में जिस दिन मैं 1 तारीख को सुबह में मैं उतर रही थी अपना वोट मतदान करने के लिए, तकरीबन 200 से ऊपर मेरे ही अपार्टमेंट के लोग मुझे घेर लिए। मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रहे पर्ची नहीं आया है बीजेपी का नाजिया। मैंने कहा बीजेपी का पर्ची नहीं आया? तो बोला नहीं पर्ची नहीं आया। उसके बाद जैसे ही मेरी गाड़ी निकलते हुए देखा लोगों ने, कम से कम 2,000 लोगों ने आसपास के अपार्टमेंट के भी घेर लिए कि नाजिया जी बीजेपी का पर्ची ही तो नहीं आया है। मैंने कहा पर्ची नहीं आया है, कोई बात नहीं है, आप लोग चले जाइए वोटर आईडी कार्ड लेकर के जाके वोट कर दीजिए। क्या दमदम के जो कैंडिडेट थे वो मेरे हाथ में 5,000 पर्ची नहीं दे सकते थे कि नाजिया जी ये आपकी जिम्मेदारी पे है, आप बांट दीजिए, आप यहाँ पर रहती हैं? क्या बात कर रहे हो दीदी, अगर आपको पर्ची दे दी तो आप लीडर बन जाओगे और उसकी टिकट कैंसिल हो जाएगी। मुझे इतना अफसोस हुआ। और वो 2,000-3,000 लोग, मैं गारंटी के साथ कह रही हूं कि उन्होंने वोट नहीं दिया, नहीं दिया। जो भक्त थे, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, जो मेरी हर एक न्यूज पर नीचे खड़े रहते थे कि नाजिया की गाड़ी आएगी तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, वो 2,000-3,000 लोग दमदम कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट ही नहीं डाल पाए, क्योंकि ना बीजेपी का कैंडिडेट आकर के उनसे मिला, ना उनके सामने हाथ जोड़ा और ना ही उनको पर्ची दिया। अरे भैया हाथ नहीं जोड़ते, इतने अहंकार वाले थे, तुम ही मोदी बन गए थे तो कम से कम पर्ची तो दे देते। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी जो खुद बीजेपी की स्टार प्रचारक है, उन्होंने कैसे बीजेपी की गलतियां गिनवाई, खासकर कैंडिडेट चुनने के मामले में। ये गलती तो सब मान रहे हैं कि बीजेपी ने सिर्फ ना पश्चिम बंगाल में बल्कि कई सारी स्टेट्स में कैंडिडेट चुनने में गलती की है, और जैसे कि नाजिया लाई खान जी ने कहा ये जनता ये सब कुछ जानती है। बाकी आपको क्या लगता है बीजेपी की और ऐसी कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से बीजेपी को हार मिली, खासकर पश्चिम बंगाल में और यूपी से लेके बाकी बड़ी स्टेट्स में? तो जो भी आपकी राय है आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।